Hey, hi everyone, welcome you all to the RGE Education. We had learned the super senses lesson till the page number 6. Now today in this class we are going to see the page number 7 and 8. Okay, so a lot to know, a lot to discuss. As always, let's get started. Okay, now just see here. Now toss a small ball or coin and try to catch it. Try this with your both eyes open. Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? आपको क्या करना है? Simply आपको एक बॉल को टॉस करना है, अदरवाइज कॉइन को टॉस करना है और उसको कैच करके देखना है. अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए और एक आंख बंद करके ये दोनों तरीके से आपको करके देखना है. Now you need to decide which method is easier. कौन सा वाला ज़्यादा इजी है, आप कौन से तरीके से इजीली कर पा रहे हो उसको, दोनों आई से या फिर वन आई से. ओके, नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स. अगर क्या हो अगर हमारी आईज हम ईयर की जगह पे लगा दे. हमारी आईज कहाँ पे है? फ्रंट साइड पे है. पहले हमारी आईज है, बाद में ईयर्स है. अगर हमारी आईज अगर ईयर की जगह पे चली जाए तो क्या होगा? वट वुड यू एबल टू डू देन विच यू कैनॉट डू नाउ. मीन्स अगर ऐसा हो जाए हमारे साथ कि हमारी आईज ईयर की जगह पे चली जाए तो हम क्या कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, बताओ. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कैन फोकस ऑन बोथ द साइड. अभी हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आगे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. अगर हमें सी हमारी आईज अगर फ्रंट साइड पे है, यहाँ पे अगर हमारी देखो यहाँ पे हमारी आईज फ्रंट साइड पे होती है तो हम आगे फोकस कर सकते हैं. हाँ, साइड का थोड़ा सा दिखता है हमें, लेकिन हमें साइड वाली जगह पे फोकस करने के लिए हमारी नेक को टर्न करना पड़ता है. गेटिंग? नाउ इफ सपोज वी आर हैविंग आईज ऑन दिस साइड तो हम एक साइड की आंख से उस साइड में पूरा देख पाएंगे कि उस साइड में क्या हो रहा है. ओके, तो हम दो जगह पे देख सकते हैं. अभी हम सिर्फ आगे देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आईज हमारी ईयर की जगह पे चली जाए तो हम दोनों साइड में देख सकते हैं. गेटिंग नाउ? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आई हैड प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन राइट दैट आंसर एंड कंप्लीट योर नोटबुक. ओके, नाउ जस्ट सी हियर. सम बर्ड्स लाइक kite, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from distance of 2 meters. Means जो vultures है, eagle है, वो क्या कर सकते हैं? वो कितने distance से देख सकते हैं? देखो यहाँ पे 8 meters का डिस्टेंस है जितना हमें 2 meters से दिखाई देगा. जितना हमें 2 meters से दिखाई देगा उतना वो 8 meters के डिस्टेंस से देख सकते हैं. मीन्स इतनी उनकी आईज जो होती है वो क्या होती है? कीन होती है. इतना उनका विजन शार्प होता है. यस, सो नाउ यू कैन गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन अ ग्राउंड. अभी आपको समझ में आया कि आपके हाथ में जब रोटी होती है तो ईगल को कैसे पता चल जाता है कि आपके हाथ में रोटी है? वो देख सकती है इतनी दूर से. गेटिंग? ओके. डू द एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर देख सकते हैं? नाउ इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. आपको ये देख के मीन्स ये समझ के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा. देखो, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन. जो एनिमल्स है वो हम जितने कलर्स देख सकते हैं उतने कलर्स नहीं देख सकते एनिमल. यस, दिस इज ट्रू. सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं. यह है ह्यूमन. कैसे देख सकते हैं ह्यूमन? हमें ये सारे कलर्स दिखते हैं. ओके, ह्यूमंस को ये सारे कलर दिखते हैं और ह्यूमन को ये इमेज ऐसे दिखेगी. ये सारी इमेज एक ही है और अलग अलग तरह के जो एनिमल्स है उनको ये कैसे दिखेगी ये यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है. ओके, नाउ जस्ट सी हियर. ह्यूमंस कैन सी दिस इमेज लाइक दिस. वी कैन सी द मेनी कलर्स.
which are falling in visible region. Okay, birds can see this image like this. Okay, and the dog, the cattle, जो भी डॉग की कैटेगरी के एनिमल्स हैं जो डे टाइम में ज़्यादा मीन्स अवेक रहते हैं, जो डे टाइम में जगे हुए रहते हैं, जैसे कि गाय है, बफेलो है, गोट है, वैसे एनिमल्स को ये कैसे दिखेगा, ये पूरा ग्रीन दिखेगा. ओके, ये देखो उन्हें ये जो इमेज है वो ऐसे दिखेगी, दे कैन सी ओनली द ग्रीन कलर. ओके, नाउ सी द लिजार्ड, हाउ द लिजार्ड कैन सी दिस पिक्चर. लिजार्ड को ये पिक्चर ऐसी दिखाई देगी, गेटिंग. नाउ कैन यू इमेजिन दैट दीज एनिमल्स कांट सी द कलर्स एज वी कैन, कि एनिमल्स को ऐसे कलर्स नहीं दिखाई देते जैसे हमें दिखाई देते. सो दैट्स द रीजन व्हाई द एनिमल्स कैन सी एट नाइट टाइम. यही रीजन है कि जो लिजार्ड है, डॉग है, इनका विजन नाइट टाइम में हमसे ज्यादा शार्प होता है. यस, दे कैन सी इन नाइट टाइम ऑल्सो, मीन्स उनका जो विजन है वो विजिबल रीजन के फार है, वो अलग रीजन में भी. अभी ये आपको मीन्स नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आप जब आगे जाओगे तो ये आपको विजिबल रीजन क्या है, इंफ्रारेड रीजन क्या है, वो आपको समझ में आएगा. अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि जो हम देख सकते हैं वो एनिमल्स नहीं देख सकते, और जो एनिमल्स देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते. यस, नाइट टाइम में हमारा विजन थोड़ी ना इतना ज़्यादा रहता है जितना कि डॉग का कैट का रहता है, गेटिंग. ओके, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. जो एनिमल्स डे टाइम में जगे हुए रहते हैं, ओके, अवेक रहते हैं, वो कुछ कलर्स देख पाते हैं. Those animals that are awake at night time can see things only in black and white. जो animals रात में जगे हुए रहते हैं, जैसे कि lizard है, okay? जो animals ज़्यादातर रात में जगे हुए रहते हैं, वो animals को things कैसे दिखाई देंगी, black and white में दिखाई देंगी, getting? Okay, and they can see in black and white, but they can see in dark also. इसीलिए वो डार्कनेस में भी देख सकते हैं, ओके, उनका विजन है उतना. अभी ये तो हो गई विजन की बात, ओके, कि कितना हम देख सकते हैं, कौन से टाइम में देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कौन कितना देख सकता है, ये सब हो गया, ओके. बट अभी बात करते हैं शार्प ईयर्स की, हियरिंग सेंस की, कि कौन कितना ज़्यादा सुन सकता है, ओके, किसका हियरिंग सेंस ज़्यादा है, ओके. इन क्लास 4 यू रीड दैट We cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. हम जो birds हैं उनके ears नहीं देख पाते हैं. क्या आपने sparrow के कभी ear देखे? क्या आपने parrot की ear देखे? जब हम उनको पास से देखेंगे, okay? जब हम उनको पास से देखेंगे, एकदम closely हम view लेंगे उनका, तो हम देख पाएंगे कि उनके जो feathers रहते हैं उसके अंदर छोटे छोटे होल रहते हैं, वही उनके ईयर्स रहते हैं बर्ड्स के. ओके, नाउ जस्ट सी हियर द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. आपको ऐसे 10 एनिमल्स बताने हैं जिनके ईयर्स हम देख पाते हैं. एक्चुअली इट्स वेरी मच इजी. द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. अभी ऐसे एनिमल्स बताओ जिनके ईयर्स हमारी ईयर से ज़्यादा बड़े होते हैं. बताओ अभी ऐसे एनिमल्स. ओके ओके, इफ़ यू आर नॉट हैविंग द आंसर, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, देन आई हैव प्रोवाइड यू द आंसर इन डिस्क्रिप्शन. जस्ट चेक योर आंसर विद दैट आंसर. ओके, थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग. क्या इसमें कोई लिंक है कि एनिमल के जो ईयर की साइज है और उनका जो हियरिंग सेंस है, क्या इसमें कुछ रिलेशन है? ऑब्वियसली इसमें रिलेशन है. देखो, जितने बड़े ईयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हियरिंग सेंस होगा. यस, हियरिंग पावर उतना ही ज़्यादा शार्प होगा जितने बड़े ईयर्स होंगे. अभी आप बोलेंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है. सो फॉर दैट ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस in your school.
और होम, ओके। आपको क्या करना है, एक शांत सी जगह पे जाके बैठ जाओ और आपके साथ कोई चाहिए, आपका फ्रेंड, आपकी सिबलिंग्स, ओके। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, आपके फ्रेंड को अदरवाइज जो भी हो आपके पास उसको बोलो कि थोड़े से डिस्टेंस पे आपके पास खड़े रहे। देन एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उसको धीरे से कुछ कहने को बोलो। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और आपको बाकी सबको क्या करना है, शांति से उसे सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। अभी देखो, इस लड़की ने जैसे अपने कानों के पीछे अपने हैंड्स करे हैं वैसे आपको करना है, ओके। और अपने ईयर्स को ऐसे थोड़ा सा आगे कर दो और अपने हैंड उसके पीछे लगा दो, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। नाउ लेट द सम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, जैसे उसने पहले कहा था उतनी ही स्ट्रेंथ से, उतनी ही आवाज़ में उसे फिर से रिपीट करना है। सो इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू, आपको ऑब्जर्व करना है फिर कि आपने पहले सिंपली सुना है उसको ईयर्स के पीछे हाथ ना लगाते हुए, और बाद में फिर से उसने बोला तो आपने ईयर्स के पीछे हाथ लगा के उसको सुना है, तो कौन सी वाली आवाज़ आपको अच्छे से आई, शार्प आई, तो ये आपको समझना है। और आपके फ्रेंड्स को भी पूछना है, उनका भी ओपिनियन लेना है कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा है। गेटिंग नाउ पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। अभी क्या करो, अभी खुद के ही ये आप होगे और खुद के ही कान के ऊपर क्या करना है, आपको हाथ रख दो, ईयर्स को ऐसे हाथ से क्लोज कर लो एंड देन से समथिंग, आपको कुछ बोलना है। देन व्हाट यू एक्सपीरियंस, आप खुद की आवाज़ के वाइब्रेशंस फील कर पा रहे हो, दिस इज़ द थिंग, ओके। आप खुद के वाइब्रेशंस फील कर पाते हो, खुद की आवाज़ फील कर पाते हो, और ज़्यादा लाउडर सुनाई देती है वो। सो अगर हम ऐसे देखो, इफ़ वी आर डूइंग लाइक दिस, अभी मैं आपको ये करके देखना है, लेकिन आई विल टेल यू दैट सी, अगर आप ऐसे करोगे तो जो वॉइस है वो ज़्यादा क्लियर आएगी, बिकॉज जो साउंड वेव्स है, जो साउंड वेव्स ऐसे आएगी आपके फ्रेंड के पास से, वो साउंड वेव आपका ये छोटा सा ईयर है, अगर उसको आप कवर अप कर लोगे अपने हैंड से, तो वो साउंड वेव्स वहीं पे रुक जाएंगी और आपके ईयर्स में चली जाएगी, तो क्या होगा, आपको जो आवाज़ है वो शार्पली आएगी। तो यही रीज़न है कि जितने बड़े कान उतना ही बड़ा हियरिंग सेंस। गेटिंग, ओके, दिस इज द रीज़न। ओके देन, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।